हेलो दोस्तों, कोई भी देश चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है देश का गवर्नमेंट। और ये देश का गवर्नमेंट कई तरीके का हो सकता है। देश राजतांत्रिक हो सकता है, जहाँ पे कोई एक राजा देश पे राज करता है, या फिर देश कम्युनिस्ट रूल के अंदर हो सकता है, जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पार्टी देश पे राज करता है, या फिर देश डेमोक्रेटिक हो सकता है, जहाँ पे देश के हर एक नागरिक को अपने पसंदीदा लीडर चुनने के लिए वोट देने का अधिकार है। इसी वजह से दुनिया भर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। वैसे तो डेमोक्रेसी बहुत टाइप का होता है, लेकिन आज के वीडियो में हम ऐसे 5 डेमोक्रेटिक रूल के बारे में बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों में लागू है। नंबर 1, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हिंदी में प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाता है। ये डेमोक्रेसी का वो फेस है जहाँ पे देश के नागरिकों को कोई भी पॉलिटिकल मैटर पे डिसीजन लेने का डायरेक्ट राइट होता है, और इस पब्लिक डिसीजन को लेने के लिए अलग से वोटिंग का अरेंजमेंट किया जाता है। इस टाइप के डेमोक्रेसी में सिटीजन्स डायरेक्टली लॉ या कोई भी नीति के ऊपर डिसीजन ले सकता है। वोटिंग के जरिए कोई इमरजेंसी में भी पब्लिक अपना मत दे सकता है। देश में नया कानून लागू किया जा रहा हो या फिर पुराना कानून मॉडिफाई किया जा रहा हो, यहाँ पे भी देश का नागरिकों का डिसीजन लिया जाता है। यहाँ तक कि कोई भी विधायक या फिर इलेक्टेड नेता को अपने टेन्योर खत्म होने से पहले ही पब्लिक वोटिंग के जरिए उनके पद से हटाया जा सकता है। करंट टाइम पे पूरी दुनिया में सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी लागू है। बाकी के डेमोक्रेसी के तुलना में डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। नंबर 2, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इस टाइप की डेमोक्रेसी में देश के सिटीजन्स इलेक्शन के जरिए अपना एक लीडर सिलेक्ट करता है, और वो लीडर बाद में देश के लिए और देश के सिटीजन्स के लिए मेजर डिसीजन लेता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहाँ पब्लिक देश के लॉ या फिर नीति में डायरेक्टली वोट दे सकता था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पब्लिक को वो राइट नहीं होता। यहाँ पे पब्लिक द्वारा चुने गए लीडर ही ये सब काम कर सकता है, लेकिन ये लीडर्स पब्लिक के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा किया और देश के सिटीजन्स को उनका काम पसंद नहीं आया तो अगले इलेक्शन में पब्लिक कोई और लीडर चुन सकता है। ये सिस्टम एक संविधान से चलता है जो कि सरकार के पावर को लिमिटेड रखता है और देश के नागरिक अधिकारों का लंघन होने से रोकता है। इस सिस्टम में पब्लिक डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली अपने चुने हुए लीडर के जरिए कंट्री रूलिंग में हिस्सा ले सकता है। करंट टाइम पे अमेरिका, फ्रांस के साथ ज़्यादातर देशों में यही डेमोक्रेसी चलता है। ये सिस्टम खासकर थोड़ा पॉपुलेटेड कंट्री के डिफिकल्टीज को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे पब्लिक को किसी पॉलिटिकल मैटर पे डायरेक्ट हिस्सा लेना पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का वो फेस है जहाँ पार्लियामेंट पे मेजॉरिटी सीट्स लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का गठबंधन अपना सरकार बनाता है। इस पार्टी का हेड प्रधानमंत्री होता है और वही देश का मेन कामकाज चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। डेमोक्रेसी के इस फेस में सरकार सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज से मिलकर बनता है, यानी कि इलेक्शन में जो जो पार्टीज को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली है वो सारे मिलके पार्लियामेंट पे एक लीडर चुनता है, और वही देश का पीएम होता है, और प्रधानमंत्री ज़्यादातर टाइम पार्लियामेंट का ही मेंबर होता है। प्रधानमंत्री ही पूरे सरकार को लीड करता है, और सरकार अगर पार्लियामेंट पे अपना मेजॉरिटी खो देता है तो पार्लियामेंट में वोटिंग के जरिए प्रधानमंत्री को अपने पद से हटाया जा सकता है। करंट टाइम पे कनाडा, जापान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। नंबर 4, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के इस फेस में राष्ट्रपति के पास ही लॉ मेकिंग से लेके सरकार चलाने तक का मेन जिम्मेदारी होता है। इस सिस्टम पे प्रेसिडेंट या यूं बोले राष्ट्रपति देश के नागरिक द्वारा ही इलेक्टेड होता है और नेता बनकर मेन पावर अपने पास रखता है। इस सिस्टम पे सरकार दो फेस में डिवाइड होता है, आइन सभा और न्याय विभाग। इन दोनों के पास ही अलग अलग पावर्स होता है, और इन दोनों का काम है एक दूसरे पर नज़र रखना ताकि कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना कर पाए। प्रेसिडेंट के पास अपने सरकार चलाने का एक टेन्योर होता है, और उस टेन्योर को ख़त्म होने के बाद पब्लिक चाहे तो एक नया प्रेसिडेंट चुन सकता है।
यूं तो डेमोक्रेसी के सारे फेजेस में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जुडिशरी के पास कुछ ज्यादा ही पावर होता है, जिसकी वजह से जुडिशरी पूरे देश में इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में पावर बहुत ज्यादा डिवाइडेड नहीं होता, जिसकी वजह से करप्शन का रिस्क रहता है और पॉलिटिक्स के प्रति देश के आम आदमी का इंटरेस्ट कम रहता है। करंट टाइम पे अमेरिका प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। नंबर 5, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में भी देश के नागरिक द्वारा इलेक्टेड विधायक या फिर नेता देश चलाने का काम करता है, लेकिन इस सिस्टम पे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान होता है, जिसे फॉलो करना हर एक इंसान के लिए कंपलसरी है। इस सिस्टम पे सरकार को पावर तभी मिलता है जब वो स्वीकार कर ले कि आम आदमी के पास ही देश का सुप्रीम पावर है। हालांकि इस सिस्टम पे मेजॉरिटी का डिसीजन ही कोई भी डिसीजन लेने में मेन भूमिका रखता है, लेकिन माइनॉरिटी का राइट्स का भी ध्यान रखा जाता है। सरकार को अपने पावर का मिसयूज रोकने और आम आदमी के अधिकारों का रक्षा के लिए देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, जिसे फॉलो करना हर एक के लिए कंपलसरी है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में भी जुडिशरी इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है। पावर को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांट दिया जाता है और हर एक को एक दूसरे के ऊपर चेक करने का अधिकार है, ताकि कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना कर पाए। तो ये थी वो 5 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी जो पूरे दुनिया भर के ज्यादातर कंट्रीज में लागू है। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक सवाल, इंडिया इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।